नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। एनसीपी पर दावे को लेकर अजीत पवार की याचिका पर चुनाव आयोग जल्द सुनवाई करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग की पूर्ण पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका पर शरद पवार पक्ष को नोटिस जारी कर दस्तावेज समेत पेश होने का निर्देश दिया जाएगा। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच शरद पवार आज दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। मीटिंग में जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले समेत पार्टी के सांसद मौजूद रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश को एक ऐसे बौद्धिक क्षेत्रियों की जरूरत है जो सवालों और मुद्दों का जवाब दे सके। इसके लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण भी दिया और कहा कि समत रामदास उन्हें आदर्श राजा मानते थे। महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर के बाद अब खबर सामने आ रही है कि क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इन सवालों को एकनाथ शिंदे ने बेमतलब करार दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 2024 में भी वही सीएम बने रहेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 9 जुलाई से 16 जुलाई 2023 तक लगने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के जयपुर मेट्रो के पास आयोजन होगा, सुनिश्चित हुआ है। आस्था और ज्ञान के इस महाकुंभ में ज्ञान की डुबकी लगाने के लिए बाबा के लाखों भक्त तैयार है। लाखों श्रद्धालु और कई वीआईपी लोगों के आगमन को देखते हुए भव्य आयोजन के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार 45 से 60 साल के बीच के अविवाहित लोगों को हर माह पेंशन देगी। शुरुआती पेंशन के तौर पर ऐसे लाभार्थियों को 2750 रुपए प्रति माह पेंशन देने की योजना है। प्रदेश के करीब 1.25 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साउथ स्टारर प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के बाद अब उनकी अपकमिंग फिल्म सालार काफी चर्चा में है। फिल्म के मेकर्स ने सालार का टीजर रिलीज कर दिया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत अब जल्द ही फाइटर प्लेन उड़ाती नजर आएंगी। कंगना की फिल्म तेजस का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में कंगना देश के लिए जान की बाजी लगाते दिखेगी। जुलाई को वेस्ट इंडीज में ही खेले जाने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया तो चुनी गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें ना रोहित का नाम है और ना ही विराट का। नैनीताल में देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के प्रसिद्ध राजभवन रोड का एक बड़ा हिस्सा टूटने से खतरा मंडरा रहा है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला इंडिया से न्यूज पर यू ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ इंडिया से न्यूज पर। नमस्कार।